हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जूनियर एडिड की जो भर्तियां आई हैं उनका जो फॉर्म भरने का दिन है वो आ चुका है। अब फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि पहला सवाल तो यही था क्या सर आप बैच बनाएंगे, दूसरा सवाल था कि अगर हम TGT PGT कर रहे हैं तो क्या हमें जूनियर एडिट भरना चाहिए, और हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कौन से राइटर्स पढ़ें, सिलेबस क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, क्या मैं बैच बनाने वाला हूँ पेड बैच जिसमें आपको फ़ीस देनी पड़ेगी जूनियर एडिट की? नहीं, मैं बैच नहीं बना रहा। मैं वाकई में नहीं पढ़ा पाऊँगा इस तरीके से। मैं स्टूडेंट का ना, बस मैं वर्ड्स कैसे बोलूँ कि मैं पागल नहीं बना सकता एक तरीके से, ये मान लीजिए कि मैं आपसे फीस ले लूँ और पढ़ा दूँ, क्योंकि क्या पढ़ाऊँ, समझ रहे हैं आप। अगर वो डिफाइन कर देते सिलेबस को कि ये राइटर पढ़ाने हैं, इस एज के पढ़ाने हैं, ठीक, तो मुझे पता होता कि ये पढ़ाना है 40 दिनों के अंदर, उस हिसाब से मैं बैच बनाता कि 3 घंटे का बैच बनाना है, 4 घंटे का बनाना है, है ना। तो एक स्ट्रेटेजी बन जाती, टीचर्स को आसानी हो जाती है और हम बैच बनाकर आपको पढ़ा देते। अब भी काफ़ी टीचर्स बैच बना रहे हैं, तो अगर आपको उनके पास पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्या पता उन्हें पता हो कैसे पढ़ाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाना है भाई। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ाऊँ और क्या छोड़ूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये मुश्किल काम है, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं तो नहीं बनाऊँगा लिटरेचर का बैच। हाँ, ग्रामर का बैच है इसका। अगर आप ग्रामर का बैच पढ़ना चाहते हैं जूनियर एडिट के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फीस होगी वो 3500 रुपये होगी फुल कोर्स की, और उसकी डिटेलिंग आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। इस वीडियो में टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका, क्योंकि यहाँ अभी हमें स्ट्रेटजी बतानी है जूनियर की, और अभी आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स और सिलेबस का भी जिक्र करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट कर लें आप हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो बैच नहीं बनाएंगे, लेकिन हम एज अ टीचर आपको क्या दे सकते हैं जूनियर एडिट के लिए। अब देखिए, अगर मैं पेड कोर्स निकालता और आप लोगों से फीस लेता तो मेरे ऊपर एक प्रेशर होता कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, आपका सिलेक्शन करवाऊँ, तो और मैं अगर उसमें 100% नहीं दे पाता आपको तो फिर मुझे दुख होता काफ़ी। तो अब इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं कोई पेड कोर्स नहीं निकाल रहा हूँ जूनियर एडिट के लिए, बल्कि अगले 40-45 दिन तक मैं कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट रचनाओं के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जो आपको काम आएंगी जूनियर एडिट में, एक तरीके से फ्री क्लास मान लो जो चैनल पर चलेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना एक वीडियो तो एटलीस्ट आपको दूंगा अगले 40-45 दिनों तक के लिए, एटलीस्ट एक वीडियो, ठीक है। तो मज़े करिए, देखिए और पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए हमारी वीडियोज़ को देख देख कर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब भाई बात करते हैं सिलेबस की, ठीक। अब सिलेबस इन्होंने खोला तो है नहीं, इन्होंने तो लिख दिया इतिश्री सी कर दी, राइटर्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, भाड़ में जाओ। बिल्कुल ऐसी लग रहा है पढ़ने के बाद कि यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, भाड़ में जाओ। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, कम से कम एज देते, कुछ तो करते। अब जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 राइटर्स ऐसे हैं, जाने माने राइटर्स, जिनको हमें पढ़ना चाहिए जूनियर एडिट के लिए, ठीक। और ये जो 15-20 राइटर्स की मैंने लिस्ट बनाई है तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक मिश्रण रखा है कि उसमें कुछ ब्रिटिश राइटर्स हैं, कुछ अमेरिकन हैं और इंडियन राइटर्स हैं। तो मैं आपको पहले वो राइटर्स बताता हूँ, फिर बताऊँगा पढ़ना कैसे है। तो मेरे हिसाब से आपको ये राइटर्स पढ़ने चाहिए जूनियर एडिट के लिए। तो राइटर्स का नाम सुनिए और हो सके तो लिख लें आप लोग। तो एक तो आपको अनीता देसाई जी को पढ़ना है, चार्ल्स डिकन्स जी को पढ़ना है, और चार्ल्स लैम्ब को पढ़िए आप, जी बी शॉ जी को पढ़िए, जॉन गाल्सवर्दी जी पढ़िए, जॉन कीट्स पढ़िए, खुशवंत सिंह पढ़िए, मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़िए, मिल्टन पढ़िए, मुल्कराज आनंद जी को पढ़िए, और पी वी शैली जी को पढ़िए, आर के नारायण जी को पढ़िए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को पढ़िए, शेक्सपियर पढ़िए,
थॉमस हार्डी पढ़िए और वॉल्ट विटमन पढ़िए और वर्ड्सवर्थ पढ़िए। तो ये 17 राइटर्स हैं, इन 17 राइटर्स को पढ़ना है आपको। अब आप कहोगे कि ये तो 17-18 राइटर्स हैं, पीजीटी वाले हो गए, ये तो बहुत कोर्स बता दिया आपने। लेकिन नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। ये पीजीटी लेवल नहीं है, जूनियर एडिट, और ना ही ये टीजीटी लेवल है। ये बात एग्जामिनर जानता है, ठीक है, कि ये किस लेवल का एग्जाम हो रहा है आप लोगों का। तो आप लोग इन 17-18 राइटर्स को, इसके अलावा भी आप 2-4 अपनी तरफ से पढ़ें, देखें, है ना, तो आप इन राइटर्स की एक तो बायोग्राफी तैयार करें और डीप ना जाएं। और इन राइटर्स एंड पोएट्स की जो कुछ फेमस एक दो तीन रचनाएं हैं उन्हें तैयार करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्टन को तैयार कर रहे हैं, जब आप मिल्टन टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयार करते हैं तो आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है मिल्टन, है ना। जैसे जब हम मिल्टन पढ़ाते हैं टीजीटी के लिए तो अराउंड 20 चैप्टर पढ़ाते हैं मिल्टन के, अब 20 की जरूरत नहीं है। अब आप मिल्टन के कोई दो तीन चैप्टर ढूंढिए कि पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लेते हैं, क्या एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ लेते हैं, है ना, एक आध और पढ़ लेते हैं इस तरह से। यानी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस वो पढ़नी है आपको, वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो भी डीप नहीं जाना। ऐसी बायोग्राफी है, जब आप टीजीटी के लिए बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डीप पढ़नी पड़ती है बायोग्राफी। यहाँ मत पढ़ना, यहाँ बस कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, कोई अनयूजुअल चीज हुई लाइफ में, बीवी बच्चे कितने, बस ऐसी ऊपर ऊपर की चीजें पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं उनकी जिंदगी की अगर हैं तो वो सब आपको पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर का, ठीक है। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, जो स्तर तय किया जाता है किसी भी एग्जाम का, वो ऐसे ही तय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री पूछ रहे हैं किसी बड़े एग्जाम में, यूपीएससी में, पीसीएस में, तो वहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं स्टूडेंट के। और जो कोई छोटा एग्जाम होता है वहां पर फैक्चुअल पूछा जाता है, वहां फैक्ट्स पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कौन सा बादशाह सीढ़ी से गिर कर मर गया, जल कर मर गया, घोड़े से गिर के मर गया, है ना, पानीपत का युद्ध कब हुआ। लेकिन यूपीएससी में थोड़ी आते हैं, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। ऐसे यहाँ होगा, अंदर के कॉन्सेप्ट क्लियर वाले क्वेश्चन जो है वो टीजीटी पीजीटी में आएंगे, यहाँ फैक्ट फैक्ट पूछा जाएंगे आपसे। तो वहां ज्यादा ध्यान लगाना अपना, आप लोग जब आप जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या मैं सर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए, क्या मुझे जूनियर एडिट की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी पढ़ रहे हैं या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ोगे वो सब इसमें काम आएगा, सब टोटल, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे। लेकिन एक चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस टीजीटी की तैयारी को बिल्कुल भी हल्की मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं टीजीटी के लिए, तो अब आपको उन 4 घंटे के अलावा 2 घंटे निकालने हैं जूनियर की तैयारी करने के लिए, ना कि उन 4 घंटों में से 2 घंटे जूनियर को दोगे। क्योंकि जो भी टीजीटी की तैयारी करोगे वो तो सब इसमें काम आएगा, और इवेंचुअली टीजीटी आ रहा है बहुत जल्द, और टीजीटी में ज्यादा पोस्ट आएंगी, इसमें पोस्ट कम है, इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब टेट का रिजल्ट आ गया है, बच्चे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर दें, इसकी तैयारी भी करें, लेकिन स्टेक पर ना लगाएं टीजीटी और पीजीटी को, उसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि वहां जो भी पढ़ोगे इसमें काम आने वाला है। बस क्या करना है, वहां पढ़ते रहो, और फिर यहाँ जो अभी राइटर्स हमने बताए, जो आपने तय कर रखा है कि मुझे ये पढ़ना है जूनियर के लिए, या कोई टीचर आपको कुछ और बता रहा है, सभी की एडवाइस लेनी है, तो उसके हिसाब से बना लो कि मुझे ये पढ़ना है, क्लियर है। लेकिन उसे मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप टीजीटी का बैच कोई बन रहा है किसी टीचर के पास, हमारे पास, किसी और के पास, तो उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टीजीटी में जो पढ़ोगे वो सब यहाँ काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी पढ़, हमारे जो स्टूडेंट हमसे टीजीटी पढ़े हैं, तो आपने हमसे 4 राइटर पढ़े, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी, टर्म्स पढ़ लिए, फॉर्म्स पढ़ ली, ठीक है, तो वो सब काम आएगा इसमें, समझ रहे हैं आप, वो सब काम आने वाला है इसमें, ठीक। बस ये जो राइटर्स हैं बाकी के, उनकी उथली उथली तैयारी करनी है आपको, बात क्लियर है।
बाकी हमने आपको जैसे बताया है कि हम भी वीडियोस डालेंगे जूनियर एडिट के लिए, इम्पॉर्टेंट वर्क्स डालेंगे राइटर्स के, पर जो भी डालें अगले 40 दिनों तक चैनल पर, वो सब देखना है आप, सब देखना है, कुछ नहीं छोड़ना। जैसे पहली वीडियो जो अब आएगी वो आएगी सोर्सेज पर विलियम शेक्सपियर के, तो देखो वो सोर्सेज तो टीजीटी में पूछ लेंगे, पीजीटी में पूछ लेंगे, जूनियर एडिट में पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ये था सारा मसला, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ रहा है बताने को मेरे पास, तो करिए तैयारी और लग जाइए मेहनत पर, जॉब तो लेनी ही है आप लोगों को कैसे ना कैसे करके। बाकी अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर के लिए आप मुझसे 8218391981 पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि कॉल मत करिएगा, पहली बात तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कॉलिंग का टाइम सिर्फ शाम को 4 से 5 के बीच होता है, 4 से 5 के बीच में फ़ोन उठाता हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।